नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस ज़बरदस्त नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे। मेरे बहुत फ्रेंड्स और मेरे जो साथी हैं वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में कैरियर बनाना चाहते हैं और हमने डिप्लोमा कर लिया है या ITI कर लिया है या हम BTech कर लिया है या MTech कर लिया है, तो अब हम रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह से जाएं और हम क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें या कहां से कुछ एलिमेंट्री पढ़ाई कर लें ताकि हम जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में एक अच्छा कैरियर बना सकें जिसका आने वाले 20 सालों में ज़बरदस्त रूप से डिमांड रहने वाली है। तो साथियों, लोग जो हैं, कई लोग जो हैं वो डिप्लोमा कर लिए हैं, ITI कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, BTech, MTech सब कुछ कर लिए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी में हमें जाना है तो उसके लिए जो पढ़ाई है, उसके लिए जो आगे के ग्रोथ के लिए पढ़ाई है वो कहाँ से करनी है। तो उसका जवाब मैं ये पार्ट वन में सबसे पहले मैं बात करूँगा, सोलर एनर्जी फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना है, सोलर पावर प्लांट में आपको कैरियर बनाना है या सोलर फील्ड में कैरियर बनाना है, तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड जो स्टडी है वो कहाँ से करनी है। तो साथियों, उसका जवाब है कि आपको जाना है एक वेबसाइट पर जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये जो है NISE, ये एक वेबसाइट है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जाना है और जहाँ पर जाकर आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में आपको पता चलेगा। अब मैं उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है ये जानने के लिए मेरा वीडियो आप पूरे एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आप उस वेबसाइट पर उलझ जाएंगे। मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। अब वहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट सारे जो हैं अलग अलग होम हैं, एंड देन उनका वो इकोनॉमिक का सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है, उसमें आपको जाना है उनके ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर और एक जाना है स्किल डेवलपमेंट सेक्शन के अंदर। ध्यान से सुनिए, वहाँ पर आपको उनके स्किल डेवलपमेंट सेक्शन में और ट्रेनिंग सेक्शन में जाना है। स्किल डेवलपमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट तरीके के कोर्स वो चला रहे हैं। उसमें मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि कैसे कोर्स हैं, कि जो लोग ITI किए हुए हैं या जो लोग साथी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा किए हुए हैं या जो मतलब 12th पास हैं, उनके लिए अगर वो सोलर एनर्जी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो लोग सूर्य मित्र करके उनका प्रोग्राम है, उसके तहत उन्होंने कई सारी नोडल एजेंसी तो वो है, लेकिन उन्होंने स्टेट में भी कई तरह के इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने एफिलेट किया हुआ है। वहाँ से मेरे जो साथी हैं वो ITI पास, डिप्लोमा पास, 12th पास, वो वहाँ से सूर्य मित्र का कोर्स करके, सूर्य मित्र का सर्टिफिकेट लेके, एंड देन हम आगे कैरियर बना सकते हैं और आगे हम जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में जाएंगे और आप कहेंगे कि साहब, मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी से मैं सूर्य मित्र सर्टिफाइड हूं, तो वो डेफिनेटली आपको वेटेज देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, NISE को ही मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि NISE से ही आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि NISE जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, उसी का ही एक पार्ट है। तो इससे जो भी सर्टिफिकेशन आपको मिल रहे हैं वो बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिल रहे हैं। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, सर्टिफाइड बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। अब अगला पॉइंट आता है कि इसके बाद आता है कि सर, हम डिप्लोमा के बाद जो BTech मेरे बंधु हैं, BTech साथी हैं, BE हैं, MTech हैं, ME हैं, तो वो लोग जो है उनके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है सोलर एनर्जी नेटवर्क, SETNET। इसकी फुल फॉर्म में आपको बताता हूँ, सोलर एनर्जी ट्रेनिंग नेटवर्क, जो इन्होंने इंस्टीट्यूट्स को, कई इंस्टीट्यूट्स को एफिलेट किया है अक्रॉस इंडिया, जो कि स्किल को बिल्ड करेंगे, कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे सोलर एनर्जी फील्ड में। सो आपका इनका मतलब जो क्वालिफाइड सोलर जो इंजीनियर्स हैं वो उनकी हमेशा इनफ्लो होता रहे, मतलब वो लोग
वहाँ ट्रेंड होंगे और फिर मार्केट में जाएंगे तो उनको फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो हाथों हाथ उठा लेंगी। उसमें जो जबरदस्त उनके चार कोर्स हैं, साथियों नाम भी उनके बहुत ज़बरदस्त हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पहला कोर्स है इनका आर्यभट्ट सर्टिफिकेट फॉर हायर लेवल डिज़ाइनर्स। अब सोलर में आप प्रोजेक्ट लगा रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 5000 मेगावाट के प्रोजेक्ट भी गुजरात में लग रहे हैं, कच्छ रीजन में। तो उसमें आर्यभट्ट सर्टिफिकेट होता है जो कि डिज़ाइन करने के लिए काम में आता है। कोणार्क जो होता है वो ग्रेजुएट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है। एक अगला कोर्स का नाम है सूर्य फॉर सोलर फील्ड टेक्नीशियंस, और भास्कर जो है वो फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम्स इन सोलर फील्ड में, अगर आपको करना है तो उस प्रोग्राम का नाम है भास्कर। सो आर्यभट्ट, कोणार्क, सूर्य, भास्कर, कितने प्यारे प्यारे नाम जो है NISE ने रख दिए हैं। तो जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर जो मेरे साथी हैं वो ये कोर्सेज करके और अपना एक ब्राइट और शानदार फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी में बना सकते हैं। अब उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, अगर आपकी एज भी अभी कम है तो तुरंत आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लेने चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटे छोटे और भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। छुट्टी लेके जाइए, पैसा लगाइए, वो पैसा लगाना एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है साथियों, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली हमारी स्किल को बढ़ा रहा है। तो वो पैसा खर्चा नहीं होता है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आप अपने आप में करते हैं, वो आगे आपको जम के रिटर्न वैसे ही दे देगा। सो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन प्रोग्राम भी है इनका, जो कि ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी डिज़ाइन करते हैं। एंड अदर इंटरनेशनल प्रोग्राम भी हैं जो, और वो आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की कंसल्टेंसी भी देते हैं। अब जो डिफरेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो ये लोग चलाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको सिर्फ उनका एक नाम दे देता हूँ, बाकी डिटेल आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ कॉन्टैक्ट अस में जाके और उनमें बात करिए और अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ रखिए, बात करिए। अरे भाई, बात करने से ही बात बनती है, चुप बैठकर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्सेज के नाम बोलता हूँ, डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर PV वाटर पंपिंग सिस्टम, ये इनका एक कोर्स है। 3-day स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन सोलर PV सिस्टम डिज़ाइन, आप नौकरी के साथ भी 3 दिन का ये डिज़ाइन कोर्स कर सकते हैं। वर्कशॉप ऑन प्रॉस्पेक्ट फॉर स्टार्टअप्स इन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, 5-day ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑफ लो, मीडियम एंड हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल सिस्टम यूजिंग SAM, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन, 5-day वर्कशॉप ऑन सोलर एनालिटिक्स प्लांट डाटा मॉडलिंग विद मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। अरे क्या शानदार प्रोग्राम है। तो आपको मैंने एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बता दिया है, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का एक शानदार प्लेटफॉर्म है। जाइए सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के फाइनेंस और कैरियर से रिलेटेड ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो आपके डेली लाइफ में काम में आएगी वो आपको यहाँ मिलेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो बनाऊँगा कि विंड एनर्जी में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो सर्टिफिकेशन कोर्सेस कहां से करें। तब तक के लिए पवित्र सीक्रेट की तरफ से निशांत चौधरी का गुड बाय।